जय श्री श्याम, बोलो हारे के सहारे की जय, बोल बालाजी महाराज की जय, और अल्लाह के रहमो करम से वाहेगुरु के आशीर्वाद से आज होली स्पेशल प्रोग्राम। और इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ दक्षिण ग्वालियर दक्षिण के नेता नहीं बेटा विधायक श्री अमित श्री प्रवीण पाठक जी के यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और बच्चों से लेकर बड़ों तक, यानी कि बचपन से लेकर 55 तक उनकी चर्चा हमेशा रहती है। और सभी बच्चे आए हैं भैया को हैप्पी होली बोलने के लिए। कहाँ से आए हो आप लोग? छतरी बड़ी बुरा की बस्ती, बुरे बाबा की बस्ती छतरी बाजार से। तो आज होली कैसे मनाई आपने? गुलाल से? नहीं, बक्के रंग से। अच्छा, कीचड़ से? अच्छा, गली से? मतलब पूरे तरीके से आए होली के रंग में रंगे हुए सभी लोग। तो होली का कोई गाना हो जाए, डांस कौन करेगा? चलिए शुरुआत करते हैं। क्या बोल दी कंपनी, कमाल है तू, बहुत बड़ी कमाल कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी है। मचा हम चल बात कर, आई बार तू कट्टा 47 70 70 तक पहचान है। काला छोड़ दे मटन, प्याज है ना मटन, क्या बोलते रहता है बोली की नहीं चल कड़ा किधर भी जा, लेकिन इधर मत। और रंग भरे से भीगे चुनर वाली, रंग भरे से, और रंग भरे से भीगे चुनर वाली, रंग भरे से। भैया को क्या हैप्पी होली बोलने आए हैं? प्रवीण भैया को बोल दीजिए हैप्पी होली। हैप्पी होली प्रवीण भैया। चलिए, और यहाँ पर बुजुर्ग भी आए हुए हैं हमारे चाचा जी। चाचा जी कहाँ से आए आप? हम निम्बाजी कौशल भाटना दक्षिण से। हाँ, और भैया को आज हैप्पी होली बोलने, हैप्पी होली के लिए आए हुए हैं, हैप्पी होली के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर पूरा युवा वर्ग यहाँ पर अभी एकत्रित है और आज नेता नहीं बेटा, आज सभी को हैप्पी होली गुलाल लगाकर और सभी को हैप्पी होली बोल रहे हैं आज यहाँ पर। और मेरे साथ में पापा जी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ग्वालियर वासियों को हैप्पी होली। और पापा जी सभी ग्वालियर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे होली के सब? इस होली के पावन अवसर पर सभी ग्वालियर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर सभी मतलब दूर दराज, मैं वैसे तो पन्हार का रहने वाला हूँ और यहाँ दक्षिण विधानसभा में रहता हूँ सिंधे की छावनी में। मेरी ओर से सभी ग्वालियर वासियों को और सभी दक्षिण विधानसभा के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, निवासियों को मेरी ओर से होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं सभी की ओर से। और यहाँ पर भी दूर दराज से आए हुए हमारे दादाजी। दादाजी किस गांव से? दादा रामपुरा पंचायत। रामपुरा पंचायत, आप कहाँ से हैं? मैं सातु पंचायत शीतला माता सरपंच। सरपंच साहब हैं जी आप भी? अब रामपुरा। अच्छा, आप साथ में तो सातु से आए हुए हैं जी। जी, होली की शुभकामनाएं देने विधायक जी। जी जी, और आपने भी अभी गांव में सभी को दी होगी? बिल्कुल 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 सबको। तो सभी ग्वालियर वासियों को भी दे दीजिए जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ग्वालियर मेला महोत्सव पे आप देख सकते हैं जी। सभी को क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वागत मनाएं, शांति से मनाएं, यही अपना संदेश। ये संदेश है सरपंच साहब हमारे साथ, सातऊ के सरपंच साहब यहाँ पर मौजूद है। जय मैया की, जय मैया की, जय माँ शीतला माँ की। एक दूसरे को गले मिलते हुए, क्योंकि होली का ये त्यौहार है और होली के त्यौहार पर एक दूसरे को गले लगाते हुए यहाँ पर सभी दक्षिण के सभी क्षेत्रवासी और यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए, क्योंकि और हमारे साथ प्रशांत भैया यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशांत भैया सभी अपने युवा साथियों को गुलाल और रंग लगाते हुए, क्योंकि होली का ये त्यौहार है और होली के त्यौहार पर। चलिए प्रशांत भैया की कुछ राय जानते हैं और सभी क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं प्रशांत भैया। और हमारे साथ में अभी प्रशांत भैया यहां पर मौजूद है। प्रशांत भैया ग्वालियर वासियों को और सभी क्षेत्रवासियों को? मैं ग्वालियर के सभी क्षेत्रवासियों को, सभी युवाओं को, माताओं को, बहनों को, मेरे बुज़ुर्गों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं होली की। और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आगे हमारा शहर बहुत उन्नति करे, बहुत ऊँचाइयाँ छुए,
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली। जो अपने विनर थे KBDCA के जी, उनको भी उनने तो जो मेहनत की है और जो कम समय में जवाब दिए हैं उन्होंने, वो तो काबिले तारीफ हैं, और उन्होंने वो इनाम के पूरे हकदार भी थे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको सबको। हाँ, और साथ में यहाँ पर हमारे एक और भैया यहाँ पर मौजूद हैं। और भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी ठाकुर है। पिंकी ठाकुर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं लश्कर से हूँ। लश्कर में किस क्षेत्र से? हैदरगंज में। हैदरगंज से आए हैं आप? और प्रवीण भैया को, क्योंकि नेता नहीं बेटा है ये? मेरा नेता नहीं, भाई है, मेरा बड़ा भाई है। आपके बड़े भाई है? मेरे बड़े भाई है, आदरणीय मेरे। तो उनको शुभकामनाएं देने आए? अरे होली की शुभकामनाएं, मैं कहता हूँ हर साल हर वर्ष यही मेरे मंत्री बने, मंत्री पद देता हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये जनता में प्यार है प्रवीण भैया का, जो अभी तक बरकरार है। और ये हमारे पिंकी ठाकुर जी थे। चलिए, और लोगों से आपको भी होली की शुभकामनाएं ग्वालियर मेला महोत्सव की ओर से। और चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और ढोल लगाड़ों के साथ यहाँ पर होली का सेलिब्रेशन चल रहा है, ढोल लगाड़ों के साथ। और यहाँ पर सभी युवा साथी और यहाँ पर बुजुर्ग ढोल लगाड़ों पर डांस करते हुए, नृत्य करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नज़ारा ढोल लगाड़ों की धुन पर। और साथ में और ढोल लगाड़ों पर ये नृत्य करते हुए सभी क्षेत्रवासी आज होली का इस वक्त सभी क्षेत्रवासियों से मिलते हुए ग्वालियर के यानी दक्षिण के नेता नहीं बेटा प्रवीण पाठक भैया सभी क्षेत्रवासियों से और अपने सभी युवा साथियों से मिलते हुए और होली का गुलाल सभी के चेहरे पर लगाते हुए, भैया क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे होली के रंगोत्सव के इस महापर्व पर? संपूर्ण ग्वालियर को मेरी ओर से आत्मिक शुभकामनाएं, और रंगोत्सव का यह पर्व इस बात का संदेश देता है, और नैसर्गिक रूप से ये संदेश कई सदियों से हमारी भारतीय संस्कृति में ये देखने को भी मिलता है कि जिस प्रकार से विभिन्न रंग आपस में मिलके हर्ष और उत्सव का माहौल इस दिन पूरे समाज में बनाते हैं, ऐसे ही सभी जातियां, सभी धर्मों के लोगों को मिलकर सदैव इस देश में उत्सव का माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और आज इस पावन पर्व पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि सामाजिक सौहार्द और सद्भावना की भावना प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जागृत हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। भैया को भी गुलाल चंदन लगाकर भैया को भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बहुत शुभकामनाएं ग्वालियर मेला महोत्सव की ओर से आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, और आप जैसे युवाओं को देख के निश्चित तौर पर समाज में हमारे जितने युवा हैं वो भी प्रोत्साहित होते हैं। आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आपको भी भैया होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर होली के रंग में रंगे हुए सभी क्षेत्रवासी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर वार्ड 37 से पार्षद हमारे मुकेश धाकड़ जी यहाँ पर मौजूद है। मुकेश धाकड़ जी, वार्ड 37 के सभी क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी भाई बहन बुजुर्ग मेरे भाईगण सभी लोग अच्छे से खुशहाली से इस होली के त्यौहार को मनाएं। और हमारे साथ यहां पर युवा नेता विक्की शर्मा जी मेरे साथ यहां मौजूद है महल गांव से। भैया होली की क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सभी क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले तो पूरे ग्वालियर वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका सबका त्यौहार रंगों से भरा रहे, जीवन रंगों से भरा रहे, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
सभी क्षेत्रवासियों को पूरे ग्वालियर पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने भी होली की शुरुआत कहाँ से की? समय मैंने अपने माता पिता के चरणों में तिलक लगाकर की है, उसके बाद अपने क्षेत्र में भी गया हूँ और हमारे क्षेत्रीय विधायक सतीश भाई साहब और हमारे विधायक प्रवीण भैया के पास हमारे वरिष्ठजनों से मिलते मिलाते सभी के बीच में जा रहा हूँ और सबको मैं होली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सभी को होली की शुभकामनाएं। आप भैया, आपको भी ग्वालियर मेला महोत्सव की ओर से आपको भी और विवेक शर्मा और मेरी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको हैप्पी होली। ऐसे ही आपका चैनल दिन रात तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में युवा नेता और पूर्व अध्यक्ष माधव कॉलेज हमारे साथ पल्लव भैया यहाँ पर मौजूद हैं, पल्लव शर्मा जी, और सभी क्षेत्रवासियों को गुलाल लगा दिए। भैया क्या कहना चाहेंगे सभी ग्वालियर वासियों से और सभी युवाओं से? ग्वालियर वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और दक्षिण विधानसभा के परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं, वार्ड 35 के परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं सभी को युवाओं को बहनों को माताओं को और हमारी मातृशक्ति युवा शक्ति सबको प्रणाम। होली की शुभकामनाएं। पल्लव भैया जी हमारे साथ मौजूद हैं और माधव कॉलेज के पूर्व भैया को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी ग्वालियर मेला महोत्सव की ओर से होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम जो छोटे से कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने के लिए। और दोस्तों, होली की शुभकामनाएं देते देते अब हम यहाँ पर आ गए हैं पूर्व मंत्री जी और विधायक विदर्भर लाखन सिंह जी के यहाँ पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ग्वालियर वासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं होली की। हमारे साथ में मंत्री पूर्व मंत्री जी और विधायक विदर्भर जी खड़े हो जाना। लाखन सिंह यादव जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ग्वालियर वासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं होली के से? देखिए, होली का त्यौहार हमारा वर्षों से कई पीढ़ियों से मनाते आ रहे हैं और होली के त्यौहार में हम सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और ये होली का त्यौहार मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ग्वालियर और समूचे मध्य प्रदेश में होली का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसमें एक दूसरे से मिलने जुलने का एक सौहार्द प्राप्त होता है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से समूचे मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल के तमाम सारे आवाम को अपनी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि ये होली का त्यौहार उनके और उनके परिवार के लिए मंगलमय हो। और सोशल मीडिया के माध्यम से विदर्भर के लोग भी देख रहे हैं, मैं भी केरुआ से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा, पहाड़ी केरुआ। अच्छा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ तो वो लोग भी देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना? देखिए, जब मध्य प्रदेश आ गया, ग्वालियर चंबल आ गया, तो विदर्भर भी उसी में इंक्लूड है। लेकिन आपने यदि ऐसा कहा है तो मैं विदर्भर के समस्त मतदाताओं को मैं अपनी ओर से होली के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि होली का जो पर्व है सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आपको भी ग्वालियर मेला महोत्सव की ओर से और डैन के नेटवर्क वीरेंद्र शर्मा जी की ओर से हैप्पी होली सर। थैंक यू। और युवाओं के मार्गदर्शक और युवाओं को एक नई राह देने वाले मध्य प्रदेश के अंदर हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं श्री संजय सिंह यादव जी। भैया हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, युवा नेता, और युवाओं को हमेशा नई राह पर चलने की सीख देते रहते हैं। भैया सभी युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होली के इस पावन पर्व पर सबसे पहले तो मैं पूरे हमारे नौजवान साथियों को, यूथ कांग्रेस के साथियों को, संपूर्ण मेरे जौरा विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर वासियों को, मुरैना वासियों को, मध्य प्रदेश के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और युवाओं से अपील करूंगा इस पावन पर्व पर रंगों के गुलाल के साथ होली तो खेले पर पानी की भी बचत करें। और मैं युवाओं को एक ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि इस बार का जो पर्व है, पिछले 2-3 सालों से कोरोना की वजह से ये पर्व हम नहीं मना पाए थे, पर इस बार के पर्व पर गरीबों में जाके मिठाइयाँ बांटें और लोगों में खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपको भी ग्वालियर मेला महोत्सव और वीरेंद्र शर्मा जी की ओर से, डैन के संचालक, उनकी ओर से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं होली। मेरी ओर से आपके पूरे मेरे मीडिया के सभी बंधुओं को, आपको, वीरेंद्र भाई को, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपका चैनल प्रगति करे और मध्य प्रदेश नहीं देश में भी नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
दोस्तों होली स्पेशल प्रोग्राम में अब मैं यहां पर पहुंच चुका हूं हमदर्द के साथी और पूर्व के विधायक जी सतीश सिकरवार जी भाई साहब के यहां पर मैं यहां पर मौजूद हूं। और 2023 की होली वो किस तरह से मना रहे हैं और अपनी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं भाई साहब क्या संदेश देना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र? मैं सभी होली पर पहले तो सभी देशवासियों को प्रदेशवासियों को ग्वालियरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ बधाई देता हूँ और मैं सभी क्षेत्रवासियों को ग्वालियरवासियों से केवल यही संदेश देना चाहता हूं कि होली का त्यौहार ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी जाति धर्म और सभी बंधनों को तोड़कर हम सब भाईचारे के साथ सद्भावना के साथ प्रेम एकता के साथ इस त्यौहार को मनाते आए हैं। बरसों से हमारी जो तहजीब रही है हमारी जो संस्कृति रही है उस संस्कृति को बनाए रखने का हम सब संकल्प लें और हम ऊर्जा को बचाएं, ग्वालियर को क्लीन बनाएं, ग्रीन बनाएं और हम सब मिलकर इस ग्वालियर के विकास के लिए काम करें, यही मेरी सबसे निवेदन है। और मैं होली के इस पावन पर्व पर सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। भाई साहब आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, सभी माता बहनों का आशीर्वाद आपके ऊपर है और जनता आपको बहुत प्यार करती है। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी बहनों को हार्दिक उनका वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूं, आशा उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से हमारी बहनें जिस प्रकार आगे बढ़ रही हैं आने वाले समय में और ऊंचाइयों और तरक्कियों को छुएं। धन्यवाद भाई साहब। वीरेंद्र शर्मा जी की ओर से और डैन के संचालक और ग्वालियर मेला महोत्सव विवेक शर्मा रेंचो की टीम की ओर से आपको हैप्पी होली। आपको भी पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आदरणीय भाभी जी और महापौर ग्वालियर शोभा सिकरवार जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और वो किस तरीके से इस होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं 2023 की होली को और आज महिला दिवस भी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या संदेश देना चाहते हैं सभी महिलाओं को और सभी ग्वालियर वासियों को होली का संदेश? आज होली के इस पावन शुभ अवसर पर मैं सभी ग्वालियर शहरवासियों को पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और सभी लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहती हूं कि आप लोग अपने गले शिकवे भुलाकर और एक दूसरे के गले लगकर और अपने रंग बिरंगे त्यौहार को और भी रंगीन बनाइए। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को, अपनी बहनों को बहुत बहुत महिला दिवस की शुभकामनाएँ देती हूँ। मैम आपको भी ग्वालियर मेला महोत्सव और विवेक शर्मा रेंचो की टीम की ओर से आपको होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया, आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सुनील शर्मा जी, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और सभी युवाओं के दिलों की धड़कन और सभी युवाओं को और माता बहनों का आशीर्वाद, ग्वालियर विधानसभा की सभी माता बहनों का आशीर्वाद इनके ऊपर है और आज वो 2023 की होली कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी को बधाइयाँ किस तरीके से दे रहे हैं तो भैया से मैं जानना चाहूँगा। भैया, क्षेत्रवासियों को, सभी क्षेत्र की जनता को आप होली के पावन पर्व पर मैं सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सभी के जीवन में खुशियां रहें, हर्ष और उल्लास रहे, सभी जीवन में प्रगति करें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भैया आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं ग्वालियर मेला महोत्सव की टीम की ओर से और वीरेंद्र शर्मा जी की ओर से और विवेक शर्मा रेंचो की टीम की ओर से आपको होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और यहाँ पर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं होली का त्यौहार और यहाँ पर बॉबी दीदी, सोना दीदी और इंस्टाग्राम पर ये फेमस हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पर इनकी आईडी को फॉलो कीजिए और फॉलो कीजिए। तो होली पे क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? होली पे सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई है क्योंकि 2 साल बाद ये होली का त्यौहार मनाने को मिला है तो हम बहुत एक्साइटेड है।
होली खेले रंग पीला पतंग पे होली खेले रंग पीला होली खेले रंग पीला पतंग पे होली खेले रंग पीला ओए झिलमिल गाए आ भाई आ गए झिलमिल गाए लोग लोगाए तो दोस्तों सभी लोग पूरे ग्वालियर वासी होली के त्यौहार में रंगे हुए हैं और यहाँ पर भी ये लोग रंगे हुए हैं। तो और दोस्तों आज होली सेलिब्रेशन प्रोग्राम आपको दिखाया हमने ग्वालियर मेला महोत्सव और कॉमेडी किंग विवेक शर्मा की पूरी टीम और हमारे प्रोडक्शन हेड यानी कि वैष्णो प्रोडक्शन हेड जुगल राय जी के सहयोग से आज ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आपको हमने दिखाया ग्वालियर में किस तरह से होली मनाई गई और सभी नेतागणों ने और सभी मंत्रियों ने किस तरह से होली मनाई ये प्रोग्राम आपको दिखाया। आप अगर और भी एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं तो पेज को लाइक कीजिए, ग्वालियर मेला महोत्सव फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मेरे साथ पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी यानी कि मेला महोत्सव 2023 की पूरी पूरी टीम यानी कि चंदन वरैया जी, अनुराग झा और आज हमारी कैमरा मैनिंग की है हमारे विनीत शर्मा ने, हमारा भतीजा है विनीत, उसने कैमरा मैनिंग का पार्ट निभाया और साथ में कई सारे लोगों को आज हमने इंटरव्यू किया और ग्वालियर में किस तरह से होली मन रही है होली का त्यौहार आपको दिखाया 2023 की ये होली प्रोग्राम में। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ग्वालियर मेला महोत्सव फेसबुक पेज।